रामू काका, रामू काका जी। राधा बिटिया। अरे काका ये लीजिए, जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आइए जी। अच्छा। नमस्ते सीता बहन। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आपकी तबीयत? अब तो ठीक हूँ सीता बहन, आप बैठिए ना। मैं अब हमेशा के लिए बंबई जा रही हूँ और फिर शायद रामपुर कभी नहीं आऊंगी, इसीलिए मिलने आई थी। बंबई जा रही हूँ सीता बहन, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर कभी रामपुर ना आने का फैसला क्यों किया आपने? जिंदगी में जितने झमेले कम हो उतना अच्छा ही है। हमारी हर मुश्किल में आपने बहुत साथ दिया, इसलिए धन्यवाद करने आई थी। अपना ख्याल रखना। ठीक है सीता बहन। माँ, मुझसे बात तक नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं तो तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। मुझसे इसलिए नाराज है ना क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी? जब जानती हो तो पूछती क्यों? लेकिन माँ, मैंने जो कुछ किया सब आपकी खातिर किया। गलत, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। अब मैं ये सब दोहराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई। मैं तुम्हें कहकर गई थी कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये हमारे भाई बहन के बीच का झगड़ा था, तुम्हें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने मोहन को भी यही कहा, लेकिन उसने मेरा कहा माना, केस वापस ले लिया। अगर तुम मुझे मां समझती तो तुम भी ऐसा ही करती, लेकिन तुमने मनमानी की, पृथ्वी को कैद करा दिया। मैं तो उस वक्त वही थी जब पृथ्वी को पकड़ा। पृथ्वी तो इस बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है कि मैंने तुम्हें और धनराज को मजबूर किया ये सब करने के लिए, और शायद उसकी गलतफहमी कभी भी दूर नहीं होगी। माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं हमसे बात करूँ। अब मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करूंगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी मुझे माँ करके पुकार। सर, आपने आपने बुरे वक्त में जो मेरी मदद की है वो मैं अपना ख्याल रखना। जी सर। टेक केयर। बाय बाय सर। गुड लक। देखो, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना और कॉलेज जाओगे, तब मैं रामपुर कॉलेज में तुम्हारा प्रोफेसर बनकर आऊं। पक्का सर? पक्का, प्रॉमिस। अब मैं जाऊं। बाय बाय। ये तुम्हें गुड्डे नजर आ रहा है, हैं? अच्छा दिन लग रहा है, ये शुभ दिन लग रहा है। तुम मच्छरों से भरे बदबूदार जेल में मैं सड़ रहा हूं और तुम कह रहे हो ये गुड्डे? सॉरी सर। देख रहे हो ना क्या हालत बना रखी है उस कुतिया ने मेरी। देखो, जल्द से जल्द मुझे यहां से निकालने का इंतजाम करो, और अगर नहीं हो सकता है ना तो चले जाओ। चले जाओ सर।
अरे जाओ और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर लेके आओ। ऐसे चिंता मत करना, मांगे फी दे दूंगा मैं। सिर्फ वो ये साबित करके दिखाए कि गुनहगार मैं नहीं बल्कि वो राधा है, समझे? वो तो है ही सर, आपको अंदर करने का जुर्म तो राधा ने ही किया। अच्छा जाओ, कोई अच्छा वकील लेके आओ, जाओ। राइट सर, मैं अभी जाता हूँ। एक बार जेल से बाहर निकलूंगा, बाकी उस राधा मोहन और सीता को बता दूंगा पृथ्वी क्या चीज है, क्या कर सकता है और क्या करवा सकता है। दुलारी, अब जल्दी फैसला कर ले कि तुझे क्या करना है। अगर ये साबित हो गया कि पृथ्वी ने सीता को किडनैप कराया और सुखिया को भी उसी ने खत्म कराया, तो पृथ्वी सारी उम्र के लिए जेल में जाएगा और तू यहाँ सड़ती रहेगी। अगर ऐसा ना कर सके तो कम से कम उस 25 लाख में से जो बचा है उस पर तो कब्जा कर, वरना लक्ष्मी तुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हारने वाली थी, मैं नहीं। बस अभी आई, देख रही थी कि आखिर हमारे बिछड़ने का दिन आ ही गया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इन्हें तो पुलिस ले गई, धनराज और राधा लाला के घर चले गए। दुलारी तो वैसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती और पद्मा अपने रास्ते निकल चली, न जाने मेरा क्या होगा। बैठो तो सही। देखो लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, अरे हम यहाँ रहकर भी महीना महीना नहीं मिल पाते हैं, है ना? लेकिन ये तसल्ली तो रहती है कि आप यहीं पे हैं। और हाँ, वहाँ मोहन के घर फोन है, मैं भी फोन करूँगी और जब तुम्हें हमारी याद आएगी तुम फोन कर लेना, और फिर कभी भी हमारी जरूरत होगी हमें बुलाना, हम फौरन यहाँ चले आएंगे। हाँ देखो लक्ष्मी, पृथ्वी जब तक जेल में है तुमने ही घर को संभालना है। घर तो दुलारी ने पहले से ही संभाला हुआ है सीता दीदी। एक न एक दिन पृथ्वी ये जरूर महसूस करेगा कि उसने तुम पर कितना जुल्म किया है। वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगा लक्ष्मी। तुम भी बीत गए। हाँ, अब पद्मा से बात कर लेना, वो कल सुबह यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अच्छा दीदी, चलती। निशाने फिर कब मिलना होगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वहां पहुंचते ही मैं तुम्हें फोन करूंगी। सीआईडी के चार्जशीट में जो डिटेल्स दी गई हैं उसके मुताबिक
पृथ्वीराज जी को बाहर निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। सर ये काम अगर इतना मुश्किल ना होता तो कोई मुझ जैसा मामूली वकील भी कर सकता था। आपके पास तो मैं इसीलिए आया हूं कि ये काम हर किसी के बस का नहीं है। देखिए इसमें पृथ्वीराज जी के बेटे का स्टेटमेंट है जी, सुखिया के उन तमाम साथियों का स्टेटमेंट है जो किडनैपिंग में चश्मदीद गवाह थे। इसके अलावा सुखिया और पृथ्वीराज जी के दरमियान जो डील हुई थी उसका भी जिक्र है। मुझे तो लगता है पृथ्वीराज जी को इस केस में से बाहर निकालना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। और जमानत? हाँ उतना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो उसमें भी मुझे बहुत करनी पड़ेगी। आई नो सर, केस बहुत ही मजबूत है। एक बात मुझे सच सच बताइए, क्या इस केस में पृथ्वीराज जी गिल्टी हैं या नहीं? देखिए वो कहते हैं ना कि अपने डॉक्टर या अपने वकील से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो दरअसल ये सारा खेल खुद पृथ्वी का ही रचाया हुआ है। पृथ्वी को इस बात का यकीन था कि डीसीपी के होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है मिस्टर नरेश, इस वक्त मैं हाँ या ना नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है सर, मगर सोचने में इतना वक्त ना लीजिएगा कि पृथ्वी अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ जाए। I'm sorry, that's his problem. मुझे 3 दिनों के बाद कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है सर, लाइक मिस्टर शुक्ला। हेयर कट के ही खिलाफ था और अब ये कपड़े, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? और कितने पैसे खर्चे हैं इन पे? पैसों को छोड़ो गुरु, पहले ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं? अगर मैं तुम्हें सही बता दूंगा तो तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, पर आज के बाद ऐसे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कपड़ों में तुम वो गौरी नहीं लगते जिस गौरी से मैंने शादी की थी। गौरी तुम इतना क्यों बदल गई हो? गुरु हम बिल्कुल नहीं बदले, हम हमेशा से ही ऐसे थे। हम हमेशा से ऐसे कपड़े पहनना चाहते थे और आराम की जिंदगी गुजारना चाहते थे, पर हमारी गरीबी ने हमें ऐसा कभी नहीं करने दिया। अब तुम क्या चाहते हो कि हम शहर में आकर भी गवारों की तरह रहें? हमारी सारी सहेलियां हमारा इतना मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब उन्हें इतना फख्र महसूस होता है ये कहने में कि हम उनकी सहेली हैं। तो क्या तुम अपनी सहेलियों के लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रही हो? और मैं ओवरटाइम इसलिए कर रहा हूँ कि तुम फिजूल खर्ची करके अपनी सहेलियों का दिल खुश कर सको। पुरु हमने ये पैसे इसीलिए खर्च किए कि तुम हमें इन कपड़ों में देखकर हमारी पसंद की तारीफ करो। पुरु क्या तुम ये नहीं चाहते कि हम शहर में आके शहर वालों की तरह रहें? क्या तुम्हें आराम और शानो शौकत की जिंदगी पसंद नहीं है? ठीक है, अगर ये कपड़े खरीदने से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो हम आइंदा से जब भी कुछ खरीदेंगे तो हम तुमसे पूछकर ही खरीदेंगे। वो मिसेस खोसला है ना, उनके हस्बैंड ने क्लब में शनिवार को पार्टी रखी है, हम दोनों को भी बुलाया, तुम चलोगे ना? नहीं गौरी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं कभी गया नहीं ना, और न जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ। हमारी सारी सहेलियां और उनके पति बस। तुम जाना चाहती हो? तुम चलोगे तो हम जाएंगे ना? अच्छा चलेंगे। आता है मुझे चेची, आपकी ऐसी हालत देखकर किसी रोना नहीं आएगा। हाँ ठीक है,
लेकिन मेरी ये हालत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं बहुत ही जल्द जमानत पे बाहर निकल आऊंगा। मतलब किसी ने उम्मीद दिलाई है? नरेश ने जय शुक्ला से बात की और ये जय शुक्ला बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है हिंदुस्तान का। उसने वादा किया है कि वो कोई ऐसी तरकीब ढूंढ के निकालेगा जिससे ये साबित होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जेठ जी हमें सबसे पहले पैसों की जरूरत होगी। वो ट्रस्ट के पैसे आपने कहाँ रखे हैं? क्यों? जेठ जी कोर्ट केस है, जय शुक्ला है, आपको क्या लगता है बगैर पैसे लिए जय शुक्ला आपका केस लड़ेगा? वो पैसे मेरे पुराने ऑफिस की तिजोरी में और उस तिजोरी की चाबी हमारे घर में जो मंदिर है उसमें प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति के पैरों पे है, उस चाबी पे सिंदूर लगा हुआ है। जेठ जी मैंने आपसे पहले भी कहा है हमें राधा को रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन मैंने जब भी ये बात कही आपने आनाकानी की। अब आप देख रहे हैं ना नतीजा। मैं सोचता हूँ उस वक्त मैंने तुम्हारा कहना मान लेना चाहिए था। जेठ जी अभी देर नहीं हुई है, नरेश कुछ ऐसे लोगों को जानता है जिनका धंधा ही यही है। पर जेठ जी उस चुड़ैल को खत्म करने में जो पैसे लगेंगे ना वो भी मैं ट्रस्ट के पैसे से ही ले लूंगी। ठीक है? ठीक है, मैं नरेश से बात करता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये काम बहुत ही सफाई से हो जाना चाहिए, किसी को कानों कान खबर ना हो, समझे? आप फिक्र मत कीजिए जेठ जी, इससे पहले कि वो आपके खिलाफ कुछ और करने की सोचे भी ना, तो ऊपर दीजिए।